वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराधा, दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा से प्रधानाचार्य। आज हमारे समाज के हर एक शिक्षक को तहे दिल से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देती है। शिक्षक होना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, शिक्षक होना एक जिम्मेदारी है। हमेशा हम कहते हैं कि राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, अगली जनरेशन को बढ़ाना है, तो उसका सारा दारमोदार शिक्षकों के कंधे पर होता है। द टाइम हैज बीन चेंजिंग। Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was former president, first vice president of our Democratic India, a scholar, diplomatic, a great dignity, above all, a great academician, he was none other than a great teacher. A teacher, a personality, who devoted his complete life for the sake of education. He requested everyone, instead of any pomp and show, instead of society, but a nation. And by combination of nation, we can say the universe exists. There is a word, greatest, and the synonym goes for the efforts of every. जी मैम, ये बताइए कौन सी जगह है, कौन स्कूल है, क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? The moves have been changing, the scenario has been changing, as we can say. In Corona, we can understand now this is not the time that the teachers will come in their classes with the books and within confining in the within the walls of the classes by the bookish knowledge and the teaching profession is done. No. Let me drag your time concentration that today, being the teacher, we face a lot of challenges in order to deal with the complex domain of our young minds, who are obviously full of energy, full of enthusiastic, and full of so many questions. So matching ourselves with their queries, matching ourselves with this competitive era, it is really very important to update ourselves. Har ek shikshak sirf padhana nahi, बच्चों को उभारना, बच्चों की पर्सनालिटी को बाहर लाना है, जो सिर्फ किसी एक दायरे में सीमित होकर किसी शिक्षक के लिए शायद संभव नहीं है। आज के शिक्षक को जरूरी है बच्चों की बातों को, उनके व्यवहार को समझना, उन्हें अपने ऊपर एक विश्वास दिलाना, ताकि अपनी हर छोटी बड़ी बात आकर हमसे मिले, कहें और सुझाव लें, ताकि तभी हम उनकी समस्याओं को जान एक हम कह सकते हैं कि ऐसा अपने आप में परिपेक्ष तैयार करें कि हर बच्चा, हर वर्ग का, विभिन्न मानसिकताओं का, विभिन्न समझ का बच्चा, हर आयु का बच्चा अपने हर एक शिक्षक के साथ
साझेदारी कर सके, न सिर्फ किताबी ज्ञान पाने के लिए बल्कि वो ज्ञान पाने के लिए जो उसे स्कूल कॉलेज से बाहर निकलकर अपनी दुनिया में जाने पर चुनौतियों को फेस करने के लिए जो साहस चाहिए होता है, उसका सूत्रधार पिता के बाद, माता पिता के बाद, परिवार के बाद अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक है। एक बार फिर से मैं आप सभी को, संपूर्ण मैं कहूँगी कि इस यूनिवर्स को, इंटायर यूनिवर्स के सारे भी शिक्षक को, शिक्षक हमारी माँ भी हैं, शिक्षक हमारी दादा दादा भी हैं, शिक्षक हर एक वो आदमी है जिससे हम कभी भी यूं ही चलते हुए कुछ भी सीख लें। मैं सभी को एक बार फिर से, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जो इस तैयारी में है कि हमें शिक्षक बनना है, मैं उन सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। चुनौतियों को समझकर, समय को समझकर आइए हम सब आगे बढ़ें, क्योंकि हमें सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक भारत ही नहीं, अपितु इस दुनिया के सारे राष्ट्र को आगे ले जाना है। और शिक्षक हर राष्ट्र में है, नागरिक हर राष्ट्र में है। इसी बात को समझते हुए सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की परिवार से, हर एक सदस्य की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे, चूंकि वाइस चांसलर रहे, और इन सबसे ऊपर वो एक शिक्षक थे जो अपनी शिक्षा को, अपने जीवन को आज हम सभी शिक्षकों के लिए शायद एक सोच के साथ उन्होंने अपनी बर्थ एनिवर्सरी को मनवाया। आज वो शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर हम शिक्षक हैं तो वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से दुनिया के हर एक शिक्षक के साथ। एक बार फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।